नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफग़ानिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत लगभग हो चुकी है बात दरअसल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने अफग़ानिस्तान के अंदर जा कर के एयर स्ट्राइक करी है जिसमें कि अफग़ानिस्तान के आठ लोगों की मौत हो गई है ऐसा पाकिस्तान का कहना है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का तो ये कहना है कि ये जो आठ लोग मरे हैं आतंकवादी थे जब लेकिन जब अफ़ग़ानिस्तान का इस पे वर्जन आया तो अफ़ग़ानिस्तान ने बोला कि आठ लोग तो मारे हैं पाकिस्तान ने हमारी धरती में घुस करके लेकिन वो जो आठ लोग मरे हैं वो सिविलियन है मतलब कि उनका किसी भी तरह से कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं वो आठ लोग तो ये अफ़ग़ानिस्तान का वर्जन है अब पाकिस्तान ने ये जो किया है वो किया क्यों है अब इसको समझते हैं पाकिस्तान ने दरअसल ये जो अटैक किया है पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकवादी संगठन तहरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के संगठन है उसके ये आतंकवादी हैं और हमने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी क्योंकि इन्होंने पिछले हफ्ते पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला किया था जिसमें कई पाकिस्तानी के सैनिक जो थे वो मर गए थे उनकी मौत हो गई थी और उसमें काफ़ी हद तक घायल भी हो गए थे और भी करीब दर्जन भर सैनिक जो घायल हुए थे और अफ़ग़ानिस्तान का अब जो कहना है कि इसके लिए इनको बराबर मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिसकी अफ़ग़ानिस्तान ने शुरुआत भी कर दी है पिछले कई घंटों की जो युद्ध हुआ है मतलब गोलाबारी हुई है उसमें यह देखने को मिला है कि एक तो पाकिस्तान का अफसर इसमें मौत हो गई है और कई सैनिक उन उसके घायल हो चुके हैं अब दोस्तों ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ कर दिया था भारत लेकिन कर गया और पाकिस्तान पर उसका कोई जवाब नहीं दे पाया था एयर स्ट्राइक का अब लेकिन इसके केस में क्या हुआ है अफ़गानिस्तान के केस में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और तालिबान ने तुरंत उसका जवाब भी दे दिया है दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हो रही है इसके पीछे हाथ अमेरिका का हो अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज़ शरीफ की इस इसको सपोर्ट कर रहा हो बोल रखा हो कि अफ़गानिस्तान को किसी भी तरह स्टेबलाइज मत होने दो इस पर एयर स्ट्राइक करते रहो क्योंकि ये चाहता है अमेरिका तो इस तरह की चीज़ें चाहता ही है कि किसी भी तरह से जो पूरा रीजन है इसमें स्टेबिलिटी इस उतनी होनी नहीं चाहिए जितनी मतलब क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो ये भी अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है वो वो चाहेगा कि अफगानिस्तान में तो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी ना रहे और पाकिस्तान कोई भी सस्पिशियस चीज़ देखे तो उसकी वो बॉम्बिंग करता रहे लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है रीजन के लिए अब ये सोच लीजिए कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की अगर लड़ाई होगी तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी आएगा क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान जो है ये पड़ोसी देश है अफगानिस्तान तो पड़ोसी देश नहीं है लेकिन अफग़ानिस्तान के भारत के साथ रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे हैं जो पिछली गवर्नमेंट हुआ करती थी उसके साथ काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशन थे और वहाँ पे भारत ने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कर रही कर रखी रह है तो इस कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा भारत के लिए भी ये युद्ध तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का अफग़ानिस्तान के साथ लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है और अफ़गानिस्तान के ये जो तहरीक तालिबान ग्रुप है इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ये आतंकवादी संगठन है दरअसल इनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में पूरी तरह से सरकार को हटा देंगे और हमारा इस पर कब्जा होगा जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया अफ़गानिस्तान की सरकार को हटा दिया और उसने खुद पूरे देश पे कब्जा कर लिया आज जो वो सरकार चला रहे हैं वो तालिबान की है तालिबान और तालिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग संगठन हैं ये एक नहीं है तालिबान ने जैसे अफ़ग़ानिस्तान में पूरा कब्जा कर लिया यही सेम चीज़ पाकि, पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि हम पूरी तरह से कब्जा कर लें पाकिस्तान पर और इसकी जो भी गवर्नमेंट है इसको पूरी तरह से हटा दे और हमारा पूरा कब्जा हो तो इस तरह की चीज़ें हैं अब ये अब युद्ध तो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों अब देखते हैं कि इस युद्ध की ग्रेविटी क्या रहती है कितना ज़्यादा इस पर आगे बढ़ता है चीज़ें तो इस पर लगातार अपडेटेड चीज़ आती रहेंगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा धन्यवाद